तो गाइज माय फ्रेंड ललन किल बाई छपरी गैंग का पार्ट 3 चार महीने से नहीं आया था, पार्ट 2 चार महीने पहले आया था, तो अब वो आ चुका है। और हाँ, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली थी कि हमारे फ्रेंड को किसने मारा। और उस अगर तुम्हें ये देखनी है वीडियो, तो सबसे पहले तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 1 माय फ्रेंड ललन किल्ड बाय छपरी गैंग और पार्ट 2 माय ललन किल्ड बाय छपरी गैंग 2 ये देखना पड़ेगा, तभी तुम इसकी स्टोरी लाइन समझ पाओगे। और अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करने ला चैनल को लाइक कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ उसी ललन को लेकर, और पहले तो मैं बैग रख देता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने बैग रख दिया है, तो अब मैंने अपनी वो KTM फेंक दी और मेरे दोस्त से ये मांग लिया। भाई मेरे कितने दोस्त हैं? हाँ पता नहीं, अपना एक और दोस्त है मेरा, वो बहुत अमीर है, उसके पास ये डिफेंडर थी, तो मैंने उससे डिफेंडर मांग ली। तो अभी हमें इससे उन लोगों के पास चलना होगा जिन्होंने ललन को मारा है, और ये थोड़ा सीरियस केस होगा। रुको, हाँ मुझे तुम लोगों को बताना था ना कि उस बैग में क्या है। गाइस मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ इस बैग में क्या है, खोलता हूँ। देखो गाइस मैंने इस बैग में क्या क्या रख रखा है, पिस्टल M14, RPG, स्नाइपर और स्टिकी बॉम्ब। और तो अब मैंने सारा सामान रख रखा है, तो अभी हमें मिशन पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने इतना सामान भर रखा है। भाई बहुत भारी बैग है, गाड़ी की डिक्की में डाल देता हूँ। मैंने डिक्की में वो बैग डाल दिया है और अब हम लोग चलते हैं। चलो, और हमें बहुत बचना पड़ेगा, क्योंकि भले ही उन लोगों ने हमारे दोस्त ललन को मारा हो, पर पुलिस तो हमारे पीछे लगेगी। उस CCTV पे मुझे पता चला था, वहाँ पे लोकेशन भी थी सबके घर की। तो पहले तो हम चलते हैं पहले वाले के इस घर, जो जिसने सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थी कि ललन को कैसे मारना है। ठीक है समरिया। तो गाइस मुझे पता चला है कि उस बंदे का घर ये है, तो पहले मैं स्टिकी बॉम्ब उसके पूरे घर पे लगा देता हूँ और फिर गेट नॉक करूँगा, जैसे वो बाहर रहेगा तो मैं रिमोट से दबा के पूरा स्टिकी बॉम्ब सारा फोड़ दूँगा। ओके। तो गाइस देखो मैंने कितने स्टिकी बॉम्ब लगा दिए, और ये देखो भाई बहुत महंगे होते हैं यार, पर अपने दोस्त के लिए सब करूँगा। पहले उसका गेट नॉक करता हूँ। हाँ ये रहा स्टिकी बॉम्ब चलाने का ऑप्शन। खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो। बार बार ऐसे गेट नॉक क्यों कर रहा है? अभी मैं माफिया का बंदा हूँ, उठा दूँगा। अरे अभी तो तुझे तू खुद उठेगा, मतलब भाई भाई तो बिल्कुल नहीं हूँ। ललन को जानता है ना? ललन, हाँ हमने उसे मारा था, वो पैसे नहीं दे रहा था हमारे, तो हमने उसे मार दिया था। अब तेरा घर गया, वो देख। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अरे तूने मेरा घर तोड़ दिया, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। पिस्टल मार दिया। गाइस चलो अब मैंने अपनी पिस्टल निकाल लिया, पिस्टल को लेके चलते हैं दूसरे बंदे के पास। हम लोग जा रहे हैं अब दूसरे गैंग के मेंबर के पास, तो वो कुछ ज़्यादा ही दूर रहता है, तो हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा उसके यहाँ। हाँ भाई तुम लोग सोच रहे होगे अब पहले हाँ वाले ख़त्म कर लें, पर भाई उसको मारना बहुत ज़रूरी है। उसने मेरे दोस्त ललन को घेर और उस पर एक गोली चलाई थी, और उस और इसके बाद मैं जिसके पास जाऊंगा उसने मेरे दोस्त को पूरा ही ख़त्म किया था। तो चलते हैं। चल गई है गाइस, ट्रेन चल रही है, देखो
अरे भाई थोड़ा साइड व्यू दे, ये देखो अभी हम सीधा आपको स्टेशन पे मिलते हैं। स्टेशन बहुत दूर है, मैप के हिसाब से तो उधर ही होना चाहिए। मतलब जो था रुको, शायद ये तो नहीं, मैप तो इसी को पॉइंट कर रहे हैं। भाई रुक रुक, तेरी आइडेंटिटी, अरे भाई क्या क्या पागल हो गया, तेरी आइडेंटिटी क्या है? क्या भाई बाप क्या हूँ, नहीं छोड़ूंगा। क्या कैसे मार रहा है, कैसे मार रहा है, माफिया है, माफिया है, है? मारे को, अरे भाई गाइस जल्दी उठाओ गाड़ी, जल्दी पीछे पुलिस लग गई, जल्दी पिस्टल लेके भागो। अरे अभी तो बॉस को बहुत टाइम बाद मारना है इनके टीम के। चलो पहले अपनी पिस्टल के साथ चलते हैं। अभी मैं 1147 तक को नहीं मिलूंगा क्योंकि अभी मैं पिस्टल से ही काम चलाऊंगा। देखो वो ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं कि किसी ने वो खींच दिया होगा ना, इससे ट्रेन रुक जाती है अपने आप। तो चलो स्पीड डालो, स्पीड भाई बहुत ज़्यादा ही स्पीड भगा रहा हूँ मैं थार। अरे मेरी थार नहीं है ये, तो मुझे ऐसी पड़ी हुई मिली, वहाँ खड़ी थी तो मैंने उठा ली। अरे भाई ये क्या भाग रही है, पता नहीं किसकी थार है, कितनी मॉडिफाई करा रखी है भाई। बंदे को क्या उड़ा दिया मैंने, वो कौन सी जगह है? अरे ये गाड़ी क्या पलट रही है, पता नहीं, पुलिस पुलिस पता नहीं, पलट मत पलट प्लीज। वो जगह क्या है, तोड़ दो शाबाश, खत्म भाई। मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे जाऊँ भाई, क्या करूँ यार, वो क्या है? अरे यार वो रहा मेरा घर, घर की तरफ भागूँ? नहीं नहीं वो ये शायद एयरपोर्ट है ना, हाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे चलता हूँ ना, वहाँ थोड़ा शायद। ओ पुलिस गई पीछे से, सॉरी भैया सॉरी भैया सॉरी भैया भैया सॉरी। पिस्टल तो, अरे क्या हाथ में पिस्टल, जेब में था चिल्लर, निकल जाए यहाँ से। और अगर ये बात किसी को बताई तो देख लेना। अब गाइस हमें तो अब नेक्स्ट पार्ट नहीं देखना पड़ेगा कौन है, क्योंकि अभी मेरे पीछे पुलिस लगी थी और मैं अब और रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं अपने दोस्त की डिफेंडर छोड़ आया हूँ और मुझे उसको भी वापस लाना है। और अगर मैं नहीं लाया ना अपने दोस्त की डिफेंडर वापस तो ख़त्म। ये गाड़ी चोरी कर ली और दो लोग घुमा दिया, एक बंदे का घर उड़ा दिया और अपने दोस्त के लिए अभी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत पैसे खर्च कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या वो सब को मैं मार पाऊँगा या फिर नहीं। पहले तो मैं अपने घर निकल लेता हूँ, निकल जा। ये बहुत टूट फूट गई है पूरी थार, टूट गई है पूरी, बहुत खुदाई है भाई मैंने। इसको ले जाके ना इसको उसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब डाल के इसे फोड़ देता हूँ जहाँ पे, क्योंकि अगर ये मिल गई ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे, और फेंक आऊँगा कहीं, क्योंकि फिर उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो मेरी ही थार है, इसने ही चोरी की थी। और जब वो मेरी हिस्ट्री निकालेंगे तो ये सब पता चलेगा कि दोस्त के साथ क्या हुआ था और मैंने फिर क्या किया इन लोगों के साथ, और फिर मैं अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मिशन को क्या कंप्लीट कर पाऊँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा। चलो इतने स्टिकी बॉम्ब बहुत होंगे, बहुत ही एक्स्ट्रा हो गए। ओ ओ भाई ओ ओ ख़त्म ख़त्म। चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।